बिग बॉस सीजन 17 का नॉमिनेशन हो चुका है और नॉमिनेशन हो चुका है तो इस बार चार कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड हैं। बिग बॉस ने काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई कि उनको जो एमजी पे जो कंटेस्टेंट हैं उनको नॉमिनेट नहीं किया, जैसे कि ऐश्वर्या हैं और रिंकू जी हैं, इनको नॉमिनेट नहीं किया गया जबकि इनके लिए 3 वोट आए थे। लेकिन 3 से ज़्यादा वोट जिनको भी आए हैं वो हैं खानजादी, अभिषेक और हमारे विकी भैया, इनको बिग बॉस ने नॉमिनेट कर दिया। अब ये जो एमजी वाला खेल है ये बिग बॉस पे ही बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। वेल ये एमजी क्या है? मिनिमम गारंटी। मिनिमम गारंटी में क्या होता है कि जब आप बिग बॉस के अंदर आते हैं, घर के अंदर आते हैं, तभी कुछ कंटेस्टेंट्स को मिनिमम गारंटी दी जाती है कि हम आपको इतने हफ्ते तो घर पर रखेंगे ही रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो 10 हफ्तों की मिनिमम गारंटी मिली है ऐश्वर्या को, नील को और रिंकू जी को। जब तक 10 हफ्ते पूरे नहीं हो जाते तब तक इन्हें घर से बेघर तो कोई नहीं करने वाला, बिग बॉस भी नहीं। तो अब इस हफ्ते क्या होगा? नो इविक्शन हर बार की तरह, क्योंकि इस सीजन नो इविक्शन तो इतनी बार हुआ है और बिग बॉस ने तो कन्वीनियंटली नॉमिनेशन को खेल बना दिया है कि जब भाई कोई ऐसा कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो जाता है जिसे वो घर से बेघर करना चाहते हैं तभी इविक्शन होता है, और वरना तो इविक्शन होता ही नहीं है, लोगों के वोट्स भी वेस्ट जाते हैं। अब इस हफ्ते जो लोग घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं बिग बॉस के द्वारा वो हैं नील, अभिषेक, विकी और खानजादी। अब इन चारों की अगर वोटिंग ट्रेंड को देखें तो सबसे नीचे जो आते हैं वो भाई सरप्राइजिंगली हमारे एमजी वाले ही कंटेस्टेंट हैं, वो हैं नील भट्ट। इनको सबसे कम वोट्स अब तक मिले हैं इन चारों में से। नील के जो ऊपर हैं वो और कोई नहीं, अभिषेक जी हैं। वेल, अभिषेक को बहुत सारे वोट्स आ रहे थे बट क्योंकि इस हफ्ते वो कुछ ज़्यादा ही वायलेंट हुए हैं और कुछ ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया जिसकी वजह से शायद उनके फैंस अब उनको पसंद नहीं कर रहे, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके तरफ झुक गए थे बट अब उनको वो पसंद नहीं कर रहे, तो ये वाला जो हफ्ता था उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक निराशाजनक परफॉर्मेंस के तौर पर हम देख सकते हैं। उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस करी नहीं है तो अभिषेक जो हैं वो 3rd नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं विकी जैन। वेल, इनको पिछले हफ्ते बहुत कम वोट्स मिले थे लेकिन इस हफ्ते अंकिता क्योंकि नॉमिनेटेड नहीं है तो अंकिता के जो फैंस हैं वो भी इनको दबाकर वोट कर रहे हैं और इसीलिए वो इस हफ्ते सेफ हैं। और 1st नंबर पे बात करें तो जो खानजादी जिनको घर से बेघर होना है, वो खुद चाहती हैं कि वो घर से बेघर हो जाए बट उनके फैंस उनको बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, तो इनको सबसे ज़्यादा वोट अब तक मिले हैं। लेकिन अगर इस हफ्ते इविक्शन होता है तो कौन जा सकता है? वेल, अनिल को तो मिनिमम गारंटी मिली है तो वो तो जाएंगे नहीं, और अभिषेक बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं बिग बॉस को तो बिग बॉस उन्हें भी घर से बेघर नहीं करेंगे। अब बात करते हैं खानजादी और विकी जैन, इन दोनों में से किसी एक को घर से बेघर कर दिया जाएगा। और अगर कोई इविक्शन नहीं होता है तो हर बार की तरह बिग बॉस कन्वीनियंटली नो इविक्शन का खेल रच देंगे। तो आप बताइए आपके हिसाब से आपने किसको वोट करा है और आपके हिसाब से आपसे कौन इस बार घर से बेघर होना चाहिए। ऐसे बिग बॉस के और चटपटे न्यूज़ और खबर देखने के लिए हमारे चैनल फेमस बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें। अपने ओपिनियंस हमें ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन बताएं। मैं आपसे अगले वीडियो में ज़रूर मिलूंगा।